इसलिए कि बीपीएससी के क्वेश्चंस के ट्रेंड में किसानों से संबंधित अक्सर एक साल के बाद दो साल के बाद क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं सीमांत किसानों को लेकर कि भाई सीमांत किसान किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान में रखकर प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो भारत में किसानों के प्रकार को लेकर प्रेडिक्शन किया जा रहा है। जिसमें आप कम से कम इसे पांच पार्ट में बांट लीजिए। पांच पार्ट में बांट लीजिए और पहले पार्ट में लिख लें जीरो से वन हेक्टेयर भूमि, जीरो से वन हेक्टेयर से कम भूमि, जीरो से वन हेक्टेयर से कम भूमि जिन किसानों के पास होगा उसे क्या कहेंगे। जीरो से दो हेक्टेयर हेक्टेयर वाले किसान को क्या कहेंगे। जीरो से टू हेक्टेयर को आप एक हेक्टेयर से भी, एक से दो हेक्टेयर की आप कह सकते हैं, एक से दो हेक्टेयर की जिसके जिसके पास हो भूमि उसे क्या कहेंगे। तो मूलतः जीरो से वन हेक्टेयर ही पूछता है सीमांत किसानों के संदर्भ में, लेकिन प्रकार बांट लीजिए इसको लेके कंफ्यूज मत होइएगा, जीरो से टू लिए हैं। तो तीसरा जो है आपका दो से चार हेक्टेयर जिन किसानों के पास भूमि है उन्हें आप क्या कहेंगे। और जिनके पास भूमि चार से दस हेक्टेयर के आसपास है उन्हें आप क्या कहेंगे, उन्हें कौन सा किसान कहेंगे। और जिनके पास दस हेक्टेयर से ऊपर भूमि है उसे आप क्या कहेंगे। तो जीरो से वन हेक्टेयर से कम भूमि जिन किसानों के पास है इन्हीं किसानों को सीमांत किसान कहते हैं। जीरो से दो हेक्टेयर के आसपास जिन किसानों के पास भूमि है उन्हें लघु किसान कहते हैं। दो से चार हेक्टेयर के आसपास जिन किसानों के पास भूमि है उन्हें लघु मध्य किसान कहते हैं। जिसके पास चार से दस हेक्टेयर भूमि है जिन किसानों के पास उसे मध्यम किसान कहते हैं। और जिसके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन है उसे बृहद किसान कहते हैं, बृहद किसान या बड़े किसान कहते हैं। तो हम समझते हैं कि अक्सर बीपीएससी में ये वाला प्रश्न हमेशा पूछा है कि सीमांत किसान किसे कहेंगे या फिर निम्न में से सीमांत किसानों की कैटेगरी क्या है। तो उस विकल्प में जीरो से एक हेक्टेयर से कम जमीन वाला जो कैटेगरी होगा वही उत्तर लेना होगा सीमांत किसान के लिए। और रही बात इन लोगों के लिए, तो ये एक औपचारिक वश मैंने इस चीज़ को जोड़ा है कि भाई किसानों के जमीन के आधार पर इतने प्रकार हो सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ इस पॉइंट्स पे फोकस करके जाना है जीरो से एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान को सीमांत किसान कहते हैं। बाकी एक नज़र रखें, बाकी आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है। और अक्सर बीपीएससी में अगर दो एक आध दो तीन बार अगर क्वेश्चन पूछा भी होगा तो वो सीमांत किसान से ही पूछा है, चेक कर लीजिएगा आप लोग। और हम समझते हैं कि आज के बाद अगर जो विद्यार्थी नए जुड़े हुए होंगे, हो सकता है कि इस टॉपिक्स को क्लियर नहीं किए होंगे, तो कर लेंगे। हम तो देख रहे हैं कि छठा क्लास की किताब में भी किसानों के बारे में, बीटीबीसी की किताब में भी
दिया है। बीटीबीसी हमने चूँकि बीपीएससी शिक्षक के लिए भी देख रहे हैं तो बहुत चीज़ें वहाँ से लिंक मिल रहा है, और हम लोगों ने जितना भी क्लास का पैटर्न रखा है वो टोटली टेक्स्ट बुक को ही आधार बना के हमेशा से पढ़ाए हैं हम लोग। तो अब ऐसा नहीं कि इतना दिन से पढ़ाता तो किताब देख देख के पढ़ाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन प्रेरणा जितना हम लोग के पास टॉपिक प्रेरित है वो सब कहीं ना कहीं टेक्स्ट बुक्स से ही पे ही निर्भर करता है। तो टेक्स्ट बुक तो बिल्कुल पढ़ना ही चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए और वहाँ से प्रेरणा लेना ही चाहिए। वहाँ से तो आपका बीपीएससी और यूपीएससी प्रेरणा लेता है, तो हम लोग नहीं प्रेरणा लेकर क्या जताना चाहते हैं हमको समझ में नहीं आता है। तो